अपने भी धरने प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट करी जा रहे हैं, गवर्नमेंट अनदेखी कर रही है, डिपार्टमेंट अनदेखी कर रहा है, आखिर ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? हम ये उग्र प्रदर्शन अभी करने वाले हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से, जब तक हम जहाँ से हमें कुछ ना हासिल होगा हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और ये धरना करेंगे और ये गवर्नमेंट को मजबूर होगी। आपको किस किस बड़े नेताओं से मिले, आप अपने पीडीडी के बड़े उच्च अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से? हम बहुत ही डिपार्टमेंट के अपने सीनियर अफसर से मिले और पॉलिटिशियन से मिले, जो जम्मू से हमने बीजेपी के जो हमने खुद वोट दे के अपने घर के बंधु आदमी को मेंबर को हम जिता के भेजा, हमारा कुछ अच्छा करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, पर अभी तक हमारी सरकार ने अनदेखी की है, हमें कुछ नहीं मिला। तिहार गए हैं, कल करवा चौथ गई है, उसके अंदर बहुत ही मजबूरी से घर का गुजारा हो रहा है और जितने भी ये त्यौहार आ रहे हैं, आखिर हिंदू को त्यौहार कब तक हम बिना पे के बिना सैलरी से हम मनाएंगे? हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, अगर हमारा आज कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी ना हुआ हम सारा डिपार्टमेंट हिला देंगे और बिजली बंद कर देंगे। और हम ये नहीं चाहते कोरोना वायरस के अंदर हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, पर ये मजबूर कर रही है गवर्नमेंट। जैसे हम अभी हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ तो ये बिजली बंद होगी होगी और कंटिन्यू ये जम्मू से लेकर जम्मू प्रॉमिस पूरा खिला देंगे और परमानेंट किए जाए।